विकी देखो कितना ब्यूटीफुल बीच है। पता है विकी, इसलिए सारे लवर्स गोवा आना पसंद करते हैं। मुझे क्या घूर रहे हो, वहाँ देखो वो लहरें कितने प्यार से किनारे को गले लगाकर चूम रही हैं। कितना खूबसूरत नजारा है, तुम्हारा मन नहीं करता कुछ करने का? हाँ, तुम्हें मार देने का मन कर रहा है मेरा। छोड़ो ये सब, मेरी फोटो खींचो ना। ए, सीधी खड़ी रहो ना। ओके। एक कान के नीचे लगाऊंगा, अच्छे से पोज दो। अरे चुपचाप खड़ी रहो ना वहाँ पे। अरे क्या, कब से एक ही पोज में खड़ी हो? आखिरी बार समझा रहा हूँ, अगर ठीक से पोज नहीं दिया तो फोटो नहीं खींचूंगा। हाँ ए, ऐसे दांत दिखा के हंस क्या रही हो? मुझे तो कितनी अजीब हो, तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा? ये बीच, सफेद चमकती रेत, नीला आसमान, तुम्हें ये सब देखकर क्या कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है? शरीर में चर्बी कम हो तो चल जाएगा, पर अगर ऊपर का माला खाली हो तो बहुत प्रॉब्लम है, समझे? तुम एक काम करो, थोड़ी शक्कर ज्यादा खानी शुरू कर दो ताकि तुम्हारी जुबान थोड़ी मीठी हो जाए। बस बंद कर दियो या कैमरा उठाकर तुम्हारा मुंह तोड़ दो और समंदर में फेंक दूं। उसके लिए तुम इतना टेंशन मत लो, प्यार में गुस्सा आना बहुत ही नॉर्मल बात है। क्या कहा? प्यार? धुम। ऐसा प्यार मुझे क्या किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा। दुनिया में ऐसे प्यार की कोई कीमत नहीं है। अगर यकीन ना हो तो चलो बताता हूँ, आओ। देखो अभी दिखाता हूँ। VIKAS विकास। NAYANA नैना। देखो ये, देखो देखो जरा, ये समंदर भी नहीं चाहता कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करें। अच्छा तो ये बात है। विकास आशा। नहीं 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 नहीं। देखा तुमने, समंदर तो ये भी नहीं चाहता कि तुम उस लड़की से शादी करो। तुम प्यार के नशे में डूब चुकी हो। एक काम करो, दिन भर यहीं पड़ी रहो ताकि समंदर की लहरें आए और तुम्हें ले जाएं। अच्छा होगा तुम बह जाओ और मेरा पीछा छूटे। लोग इस पेड़ को बहुत मानते हैं, यहाँ वो अपनी मन्नत पूरी करने आते हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस पवित्र पेड़ का इतिहास 800 साल पुराना है। यहीं बैठकर महामुनि अमरेंद्र ने अपनी साधना पूरी की थी। इसी जगह पर ये पेड़ लगाया गया और यहीं पर सारे भक्तगण अपनी मन्नत मांगने आते हैं। पर करना क्या होता है? अगर कोई अपने मनपसंद रंग का कपड़ा अपनी इच्छा मांग के यहाँ बांध दे तो वो इच्छा जरूर पूरी होती है। अगर तुम्हारी भी कोई इच्छा हो तो तुम भी यहाँ बांध सकती हो, वो जरूर पूरी होगी। जिंदगी में पहली बार किसी को अपना माना है, काश वो मेरा हो जाए। इतनी दूर से हम ये न्यूज कवर करने आए थे? कमाल, तुम भी ना, इनसे तुम्हें कोई उम्मीद है? उम्मीद पर तो दुनिया कायम है ना? हाँ सही कहा, लेकिन तुमने क्या मांगा? वो मेरे और मेरे भगवान के बीच की बात है। ये लो। अरे पहले लोगों पर भरोसा करना सीखो, फिर पेड़ पर करना। इस फालतू कहानी के लिए मुझे भी गोवा घसीट कर ले आई। क्या दोस्त, इतने उदास क्यों बैठे हो? अरे तो और क्या करूं, आज वो राक्षस मेरी गर्लफ्रेंड के पास जाएगा, ये सोच सोच कर मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या हो रहा है? अरे भाई दिल में दर्द हो रहा है। ठीक से फील्डिंग कर। आ गया राक्षस, ऐसा लग रहा है जैसे उसे कच्चा ही खा जाएगा। अरे भगवान, उसकी रक्षा करना भगवान। उसे बचाने के लिए कोई भगवान नहीं आने वाला, तुम्हें जाना पड़ेगा। मुझे? वो कैसे भाई? बल्ब जब बुझता है तो रोशनी देता है? नहीं बिल्कुल नहीं, पर मैं कुछ समझा नहीं। ओहो, ये मुझे दो। अरे ये क्या किया भाई, ये बेकार हो गए ना। अब यही बात तीन बार बोलो, खुद ही समझ जाओगे। Can I play a ball? Yeah, okay. ये बेकार हो गए, ये बेकार हो गए, ये बेकार हो गए। दिच क्या? Oh, अरे बाप रे। Yes.
बेकार हो गया। मुझे छूना मत डार्लिंग। क्यों डार्लिंग? मैं अब कुछ नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ तुम थोड़े शर्मीले हो, पर इस दिन का इंतजार तो हम कब से कर रहे थे ना डार्लिंग। अब मुझसे कैसे शर्माना डार्लिंग। आज कुछ नहीं कर सकता, आज मेरी बैटरी पूरी डेड है। माफ कर दो, प्लीज मुझे जाने दो, आज मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बैटरी डेड, बैटरी डेड, बैटरी डेड, बैटरी। उठो ना, स्टूपिड, सारा मूड खराब कर दिया रास्कल। आप ये क्या कह रहे हैं? सिर्फ बल्ब खराब होता तो हम रिप्लेस कर देते, पर उसका होल्डर ही खराब हो गया है तो हम कुछ ना। सॉरी सर। थोड़ा संभाल के भाई, सब यहीं पे अटैक कर रहे हैं। ये चाबी उस चमगादड़ को दे देना। ओके ओके। और सुनो, तुम मेरा पीछा छोड़ो और उस पागल प्रेमी के साथ अपनी शादी कर लो, तुम समझ गई ना? मैं तो चला, पता नहीं कहाँ पर फंस गया मैं। क्या हुआ? तुम लोग तो एक हफ्ते के लिए आए थे ना, और ये 3 दिन में ही खाली करके चल दिया। पता नहीं इसे क्या हो गया है, रात को बंदर की जैसे उछल रहा था। भाई क्या बात है मेरे भाई, थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया। भाई जब तुमने मेरी मदद की, कमाल हो गया। अब मैं किसी और के बच्चे की बजाय अपने बच्चे को अपना नाम दे सकता हूँ। कमाल कर दिया भाई। भाई इसी खुशी में मैं तुम्हें एक शानदार पार्टी देना चाहता हूँ। देखो मना मत करना। बिल्कुल नहीं करूंगा। शर्त है, खाना तुम खिलाओगे, शराब मेरी, ठीक है ना? ठीक है, डन। मेरे भाई तुमने जो मेरे लिए किया ना, मैं उसके बदले में तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। क्या देना चाहते? कुछ और तो नहीं है मेरे पास, बस यही है। ये तो कागज का टुकड़ा है, इसमें मैंने लिखा है कि मेरा दिल, मेरी किडनी, मेरी आंखें, मैंने ये सब इसमें लिख दिया है, और ये सब मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है। अरे तुमने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया। इन चीजों के अलावा कुछ नहीं है तुम्हारे पास? ऐसा मत कहो भाई, कुछ चीजें देने के लिए नहीं होती। इसको लेके क्या चाहूं मैं? भाई भाई ये कागज तुमने पानी में क्यों फेंक दिया? अरे उसमें मैंने इतना कुछ लिखा था भाई। अरे पर अब भी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है मेरे? कुछ नहीं चाहिए। ये देखो। अच्छा ब्रदर, मेरा ये मेरा विजिटिंग कार्ड है भाई। इस एड्रेस पे ना अपनी 2 अच्छी वाली फोटो मुझे कुरियर कर देना। मंडे और फ्राइडे को मैं वो फोटो अपने तकिए के नीचे रखूंगा और पूजा करूंगा तुम्हारे लिए। मेरे लिए भाई, मैं बस इतना ही कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तो भाई मैं और मेरी गर्लफ्रेंड ना आज रात को यहाँ से चले जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। हमारी इस दोस्ती के नाम ये आखिरी जाम हो जाए। यस। ये कौन बोला? मैं बोला भाई, और कौन बोलेगा? बाय, गुड नाइट। अरे गुड नाइट भाई। अरे ब्रदर संभाल के, ध्यान से जाना, गिर मत जाना। Bye. 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 Baby, I love you, baby. साला नौटंकी। मन कर रहा है कि बीच पे चला जाऊं, वहां जाके आराम से खूब सारी शराब पीऊंगा। विक्की, तुम अब तक शराब पी रहे हो? रात के 12 बज गए हैं, हमें सुबह जल्दी उठना है। चलो अब जाकर सो जाओ। अरे बैठो। ये हो गया, सोडा डालो। बस बहुत हो गया विक्की। सोडा डालो। अभी पी जाओ। कौन मैं? ना, तो क्या मैं? अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो इसे पी के दिखाओगी। अरे
प्यार करने वाले तो हर सुख दुख बांटते हैं ना। अब अगर तुम शराब पीने में मेरा साथ नहीं दे सकती तो कल सुख दुख बांटने में क्या साथ? तो क्या मेरे प्यार को साबित करने का यही रास्ता है? Yes, my dear Nana darling. अरे मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था, तुम तो एक ही सांस में घटक गई। तुम अगर मजाक भी करोगे ना तो मैं उसे सच ही मानूंगी, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ विक्की। तुम ही कहो, जो लड़की तुमसे इतना प्यार करती है उसे सताना अच्छी बात है क्या? मैं तुम्हें सता रहा हूँ? तुम मुझसे जबरदस्ती कर रही हो, प्यार करो मुझसे प्यार करो। वैसे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, जरूर तुम्हारे डैड भी इतने ही बहादुर होंगे जितनी तुम हो। Really great. Hats off to your dad. Hats off. Cool down. इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? Dad. जब भी मैं ये शब्द सुनती हूँ मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मन करता है कि मैं डूब कर मर जाऊं। तुम्हें पता है मेरी माँ बहुत बीमार रहती थी, इसीलिए मेरे डैड उन्हें पसंद नहीं करते थे, कभी उनका इलाज नहीं करवाया। जब मैं पैदा हुई वो भी एक लड़की, तो उन्होंने मेरी माँ को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, वो शराब पीकर घर आए और मुझे और माँ को घर से निकाल दिया। ठंड की वजह से मेरी माँ को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। उन्होंने डांट से हमें अंदर लेने की मिन्नतें की पर उन्होंने एक न सुनी। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं ये सब अपने साथ दोबारा कभी होने नहीं दूंगी। तब से मैं उस आदमी की परछाई से भी बहुत नफरत करती हूँ, भले ही अब तक मैंने किसी और के लिए कुछ नहीं किया है, पर मैं उन सबको सबक सिखाऊंगी जो लोग औरतों की इज्जत करना नहीं जानते। उन्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो दोबारा कभी किसी लड़की को परेशान करने की हिम्मत भी ना करें। जानते हो मैंने तुम्हें क्यों बदनाम किया था? क्योंकि तुम पैसों के लिए किसी लड़की से शादी करना चाहते थे, पर बाद में मैंने देखा कि तुम इंसान अच्छे हो। मुझे लगा जो इंसान पैसों से इतना प्यार करता है वो मुझसे कितना प्यार करेगा, इसलिए मैं चाहती थी कि तुम पैसों को भूलकर मुझसे प्यार करने लगो। तुम नहीं जानते कि सच्चे प्यार में कितनी ताकत होती है। अगर तुम्हें अब भी लगता है कि प्यार के लिए किसी को पाना सेल्फिशनेस है तो हाँ, मैं सेल्फिश हूँ। मैं दुनिया की सबसे बड़ी सेल्फिश इंसान हूँ। प्यार के अलावा मैं और कुछ नहीं समझती। अब कहो, तुम पैसों से जितना प्यार करते हो उतना मुझसे भी करोगे?